हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी है शाम का टाइम और शाम के बजे हैं 4:30। मैं आई हूँ यहाँ पे खेत में साग लेने। तो यहाँ पे टमाटर भी लगा रखे हैं और ये है जेठजी औरों का खेत। तो मैं आई थी यहाँ पे सरसों का साग लेने। ये कुछ पत्ते मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और आज से ठंड भी शुरू हो गई और थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगी थी। ये है यहाँ पे सरसों और ये थे यहाँ पे टमाटर लगाए हुए। तो देखिए हवा से ढल चुके हैं और कुछ अभी ठीक है पर सूख गए बिना बारिश के और बिना पानी के। पर जैसे यहाँ पे अर्कल टमाटर वो है मटर। तो अब मैं साग की पत्तियाँ ले लेती हूँ। ये देखिए साग, कई दिन हो गए थे साग बनाएंगे बनाएंगे पर टाइम नहीं लग रहा था ले जाने को। तो आज मैंने सोचा बारिश के काम भी कम ही है और मैं साग ही ले आती हूँ खेत से। तो अब मैं साग निकाल लेती हूँ। ऐसे निकालेंगे इसके पत्ते, ऐसे ऐसे। और फिर अब मैं आपके साथ मिलती हूँ जब मैं साग बनाऊँगी तब। अभी गायों का कवसड में काम करने को है, काउ मिल्किंग और घास पानी उनको, उसके बाद बनाऊँगी साग। तो ये है यहाँ पे साग, ये मैंने निकाल दिया है और इसको मैं यहाँ पे धो करके और फिर रात के बीच में काट लेती हूँ। तब मिलती हूँ आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चे नहीं हैं और फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। तो फटाफट से कट कर लेती हूँ। और बाहर भी देखिए बारिश लगी है थोड़ी थोड़ी। तो अभी काउसेट भी जाना है मुझे। पहले मैंने सोचा ये साग ही डाल लेती हूँ चूल्हे के ऊपर और तब जाती हूँ काउसेट में। तो यहाँ पे कुकर में मैंने ये राख लगा दी और अब मैं साग कट करके डाल लूँगी कुकर में और चूल्हे में जला लूँगी आग। तो ये मैंने यहाँ पे साग कट कर लिया और इसको मैं डाल लेती हूँ चूल्हे के ऊपर। तो ये जला दी मैंने चूल्हे में आग और ये डाल दिया है कुकर में साग। ये मैंने चावल यहाँ पे धो के रखे हैं तो इनको भी मैं कुकर में डाल लेती हूँ और साथ में डाल लूँगी हल्दी और नमक। देखिए इकट्ठा इकट्ठा कर दिया है बच्चों ने यहाँ पे। तो ये मैंने हल्दी नमक डाल दिया, इसमें हल्दी भी मिक्स कर दी है बच्चों ने। ये मैंने नमक डाल दिया और इसके साथ थोड़ी सी हल्दी भी थी और थोड़ी सी ये डाल दी, थोड़े से जीरे के दाने और कुछ मेथी के दाने। तो अब मैं जा लेती हूँ काउशेड में। काउ मिल्किंग करने और वहाँ पे गोबर भी उठाना है मुझे, उतने को मेरा साग पक जाएगा। तो मैं आ चुकी हूँ काउ शेड में और ये कालू है यहाँ पे, ये गोरू है, इनको लगी है ठंड आज। और ये है यहाँ पे मेरी कट्टू, देखिए नीचे क्या हाल करके रखा है, इसको ठंड भी लगती होनी यहाँ पे। तो मैं अब गोबर उठा लेती हूँ पहले, तब करूँगी काउ मिल्किंग। और ये देखिए बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो ये मैंने यहाँ पे गोबर इकट्ठा कर दिया और इनके नीचे बिछा दी सूखी घास, क्योंकि इनको भी ठंड लगती है। और ये देखिए यहाँ पे
ये यहाँ पे गोबर इकट्ठा कर दिया, बाहर अंधेरा हो चुका है, इसको मैं सुबह फेंकूंगी। और पहले इनको घास भी दे ही लेती हूँ, तब करती हूँ काउ मिल्किंग। लो पानी ढूंढ पीना। पी लो। लो गोरू डालो। तो ये डाल दी मैंने घास इनको। क्योंकि आज बारिश थी और घास नहीं ला पाई मैं, तो इनको ये पत्ती जैसी दे दी मैंने मक्की की, और कट्टू को दिए घास के पुल्ले। अब मैं काऊ मिल्किंग कर लेती हूँ। कालू के थन मैंने धो लिए और अब मैं मिल्किंग कर लेती हूँ। तो अब मैं कर लेती हूँ मिल्किंग। कालू की कर लूँगी पहले, तब करूँगी जोरू की, और तब मिलती हूँ आपके साथ। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है और एक से मैं मिल्किंग कर रही हूँ। तो मैं आ गई किचन में, और देखिए साग अभी कच्चा ही है क्योंकि चूल्हे में आग बुझ चुकी थी और अब जलाई मैंने। तो अब मैं पहले दूध डाल लेती हूँ करने के लिए, लस्सी बनाऊंगी ये दूध। तो साग हमारा पक के तैयार हो चुका है और अब मैं लगा लूंगी तड़का। तो चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें लगा ली है राख, और ये डाल दिया सरसों का तेल। तेल को मैं अच्छे से पकने दे लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने मक्की का आटा छान के रख दिया है। माने ना तो है अनपा। फूकना है प्रिंस, चट क्या कर दे। तो ये आज प्रिंस के हाथों का है साग। और डाल, जल्दी से डाल, मिर्ची भी डाल, पूरी पूरी हाथ की डाल, हाथ की पाई दे मत। ये डाल दी इतने की नहीं होता कुछ नहीं, ये नहीं लगनी है नहीं है। रुक जा, ये धनिया डाल दिया मैंने और मिर्ची, और ये डाल दिया थोड़े से जीरे के दाने, और ये है आपके कटा हुआ लहसुन प्याज। तो ये यहाँ पे तड़का हो गया। तो ये साग सुबह के लिए रह गया, और साग बासी ही बहुत टेस्टी होता है। और ये हो गया अभी के लिए। तो साग में तड़का लगा दिया मैंने, और अब मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। तो ये है पहाड़ी खान पान, मक्की की रोटी और चावल वाला सरसों का साग, घी के साथ बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी मैं भी लेट हो रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड करी। और देखिए यहाँ पर प्रिंस कुकर मेरे साथ हेल्प कर रहा है, ये चूल्हे में लकड़ियाँ लगा रहा है और मैं बना रही हूँ रोटी।
तो ये बना दी मैंने यहाँ पे मक्की की रोटी, और ये है मक्की की रोटी, और ये है यहाँ पे सरसों का साग। तो बहुत ही टेस्टी होता है मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो ये मक्की की रोटी है यहाँ पे, लेते रिंस लगा रहा है यहाँ पे लकड़ी है चूल्हे में, बस हो गई है वो। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।